हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तरबूज से एक बहुत ही रिफ्रेशिंग और एकदम ठंडी ठंडी ड्रिंक, जिसे बनाना बिल्कुल आसान और इसे बनाने के लिए ना बीज निकालने का झंझट, बिल्कुल 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाता है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लोग एक तरबूज लेंगे। तरबूज एकदम ताजे और फ्रेश और अंदर से लाल हो, ये देखिए। और तरबूज को हम लोग काट लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। यहाँ पर अगर आप बीज नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, बिना बीज निकाले भी आसानी से बन जाता है। इसके बाद एक कटोरी लेंगे और उसमें हम एक चम्मच सब्जा डालेंगे। इसे थोड़ा सा पानी डाल करके इसे अलग रख देंगे। अब जो हमने तरबूज के पीसेस को काटा है उसे जूसर ग्राइंडर में हम लोग डालेंगे। और डालने के बाद इसके अंदर कुछ पुदीने के पत्ते डालेंगे। पुदीने के पत्ते डालने से ड्रिंक का टेस्ट और भी फ्रेश और रिफ्रेशिंग लगता है। और इसे हम लोग बिल्कुल फाइन ग्राइंड कर लेंगे। इस स्टेज पे अगर आपके तरबूज मीठे नहीं हैं या बहुत ज़्यादा मीठा पीना पसंद करते हैं तो दो चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी कलर या चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसे एक स्ट्रेनर की सहायता से हम लोग छान लेंगे। और छानने के बाद जो हमारे बीज थे वो भी देखिए, हमारे स्ट्रेनर में छानने से ये बीज भी हमारे अलग हो जाते हैं और इसे अलग से निकालने की मेहनत से हम लोग बच जाते हैं। और ये देखिए, हमारे जो ड्रिंक है वो बिल्कुल तैयार है। अब इसे थोड़ा सा रिफ्रेशिंग और चटपटा बनाने के लिए इसमें हम लोग 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 नींबू का रस डालेंगे। और जो सब्जा हम लोगों ने फुला करके रखा था उस सब्जी को इस ड्रिंक के अंदर डाल देंगे। और आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से आइस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ आइस क्यूब डालेंगे। और इस तरह से हमारे गर्मियों की ठंडी ठंडी ड्रिंक तैयार है। अब चलिए इसे हम लोग सर्व कर लेते हैं। आप अगर हमारे वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को में बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। तो ये देखिए, और इस तरह से हमारा जो है ड्रिंक बिल्कुल तैयार है, जिसे हम लोग पुदीने के पत्तों से डेकोरेट करेंगे। और इसके अंदर जो हमने सब्जा डाला है वो भी गर्मियों में बहुत ही रिफ्रेशिंग और जो है ठंडक हमारे शरीर को देता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।